वहीं लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में 14 सीटों पर वोटिंग जारी है। दोपहर 3 बजे तक यानी 8 घंटे में 47.55% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा बता दें हम आपको बाराबंकी में 55.35% और सबसे कम लखनऊ में 41.90% वोटिंग हुई। वहीं उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने पत्नी डिंपल वर्मा के साथ लखनऊ में मतदान किया। उन्होंने कहा, मैं सभी से अपील करूंगा कि वो अपना वोट दे और अधिक से अधिक वोट देकर अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करें। आज प्रदेश के सभी मतदाताओं की तरह मैंने भी अपने बूथ पे मतदान किया है। आज प्रदेश के 21 जनपदों में 14 संसदीय क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। पूर्व में भी 4 चरणों में 39 लोकसभा क्षेत्रों में सकुशल और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न हो चुका है। आज 5वें चरण में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं उसके लिए व्यापक पुलिस व्यवस्थाएं कराई गई हैं। इसमें लगभग 10,000 निरीक्षक उप निरीक्षक, 71,000 कांस्टेबल हेड कांस्टेबल, 48,000 होमगार्ड, 264 कंपनी अर्धसैनिक बल चुनाव से संबंधित बूथों पे लगे हैं। इसके अतिरिक्त शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 230 कंपनी पीएसी का भी व्यवस्थापन किया गया है। हमारे अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्राज्यीय बॉर्डरों पे भी सघन चेकिंग की जा रही है। आज के दिन अभी तक कहीं भी किसी तरह की गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली है। कहीं कहीं पे ईवीएम के शुरुआती क्षणों में ईवीएम के माल फंक्शनिंग की शिकायत थी, वो निर्देशों के अनुसार उनको बदल दिया गया है। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है।